press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आज हमारे पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि रोड पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को उसने लात मारी थी। तो इसी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजी अलाई खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। खूबसूरत छवि रखने वाले हमारे रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद ये मानने वाले आज टैडी जीन्स पहन करके आधा पिछाड़ दिखा करके रोड पर गंदे शंदे नापाक रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, जहां पर खुतबा की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर इमाम की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर मुअज्जिन की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर नमाज का कोई जो एक लेन होता है, जो एक लाइन लगी होती है वो भी नहीं है। तो ये मतलब शैतानी हरकत किसी और सबसे बढ़ के दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको जो ट्रैफिक है उसको रोक रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, सबसे बढ़कर ये चीज। अच्छा, मैं अब बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर ने किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। और पाकिस्तान को तो आदत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कोई अब्दुल और अब्दुल्ला तो अच्छा होता नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन बेगानी शादी में नाचना स्टार्ट कर देता है पाकिस्तान। मुझसे जब पूछा जब भी जा रहा है इस मामले में, और सबसे ज्यादा मुझे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल टीवी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो, सबसे ज्यादा मुझे ही बोला जा रहा है। तो मैं एक रिप्लाई जरूर दे रही हूँ कि मुझे लगता है कि उस ऑफिसर को लात मारने की जरूरत नहीं थी, कोड़े मारने की जरूरत, लात नहीं मारता, क्योंकि अरब में यही होता है। नहीं, मुझे फिर इस बात को पूरी बात सुनिए पहले, क्योंकि अरब में यही होता है। आप सोचिए, अरब में अगर अबू धाबी का मैं आपको बता दे रही हूँ कि अबू धाबी के पुलिस ने अनाउंस किया था 1 जुलाई 2022 को कि अगर कोई भी रोड पर नमाज पढ़ेगा तो उसको कोड़े पड़ेंगे, 1,000 दरहम मतलब भारत का 22,314 रुपया उसको देना पड़ेगा, और उसको 7 दिन के लिए जेल की कस्टडी होगी। अच्छा, ठीक है। अब आती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल अल हुमैरा, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अर्ज माइनॉरिटी टू गो टू रेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, मॉस्क एंड अदर प्लेसेस टू ऑफर नमाज एंड डू नॉट डू इट ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो पेट्रोल पंप के किनारे पढ़ लो, रेस्ट हाउस में जाकर के पढ़ लो, किसी मार्केट के दुकान के अंदर पढ़ लो, लेकिन रोड के पास रोड पर नहीं पढ़ो। इवन अरब के एक मार्केट पे एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी पार्क की थी और उसी टैक्सी के ऊपर वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अपना वो चद्दर बिछा करके। तो अरब की पुलिस ने उसको नमाज के बीच से घसीट लिया था और उसको जेल कर दिया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और अभी भी अगर आप ढूंढेंगे टैक्सी ड्राइवर अंडर कस्टडी एट अरब तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उस ऑफिसर से थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि मुसलमान को वो समझा रहा था कानून, तो इस्लाम के हिसाब से उसको कानून समझाना चाहिए था। जैसे मैं अगर मुसलमान मर्दों को, बलात्कारियों को अगर कानून समझाऊंगी तो मैं 376D या 376 सेक्शन नहीं समझाऊंगी, मैं इस्लाम के हिसाब से समझाऊंगी कि अच्छा नासर खान तुमने बलात्कार किया है, पैंट खोलो, अब तुम्हारा प्रॉपर खतना कर दिया जाता है, औजारी काट दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है। तो यहाँ भारत के इस पुलिस ऑफिसर से बहुत बड़ी चूक हुई है, एकदम इतने अच्छे, इतने आज्ञाकारी, इतने अल्लाह के मानने वाले मुसलमानों को जब वो कानून समझा रहे थे तो अरब के स्टाइल में समझाना चाहिए था, लात नहीं मार करके, कतई लात नहीं मारनी चाहिए थी, पिछाड़ में कोड़े मारने चाहिए थे जैसे अरब में मारा जाता है, और 22,314 रुपए की पेनल्टी लगानी चाहिए थी उस नमाजियों के ऊपर, और 6 दिन की जेल की कस्टडी देनी चाहिए थी। सही, ये कानून है वहां पे अरब में। हाँ जी, और मैंने आपको बाई नेम बताया है, बाई नेम मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल्ला, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैंने आपको पूरा पढ़ करके वहां का ही मैंने गैजेट बताया है आपको।
तो जो कानून था, मुझे लग रहा है कि मुसलमान के सामने हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको संविधान के साथ साथ अरब का कानून भी पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान से भिड़ने के लिए तो फिर इस्लाम के कानून के हिसाब से उनको समझाना पड़ेगा। तो लात नहीं मार के कोड़े मार देने चाहिए थे, पेनल्टी लगा देनी चाहिए थी, छह दिन के लिए जेल कर देना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको फिर से एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया अचानक से, मैं आपको एक और इंसिडेंट बता देती हूँ। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में उमरा के वक्त में दो चार लोगों ने हमास और फलस्तीन के समर्थन में वहां पर नारेबाजी की थी, आज तक जेल कस्टडी में, आज तक जेल कस्टडी में। हमारे भारत का एक कांग्रेस का युवा नेता था, वो गया था उमरा करने के लिए अपने माता पिता के साथ। उसने क्या किया था, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर दिया था, आप गूगल में सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार किया था। आपको पता है साढ़े नौ महीना वो जेल में था और राहुल गांधी उसको बचाने नहीं गया। राहुल गांधी उसको बचाने नहीं गया। हमारी आठ नेवी अगर कतर में फंसती है ना, तो हमारे मोदी जी अपनी हर कोशिश मुमकिन करते हैं और उसको इज्जत लेकर के आते हैं, सब ऊंचा करके हमारे आठ पूर्व नेवी आए थे। लेकिन राहुल गांधी उस मुसलमान लड़का जो अरब में मक्का मदीना के सामने भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर रहा था और वहां की पुलिस उसको उठा करके कोड़े बरसाते हुए लेकर के गई और साढ़े नौ महीना जेल में रखी है, उसको राहुल गांधी बचाया नहीं। और जो मुसलमान फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में मक्का मदीना के अंदर नारेबाजी कर रहा था वो आज तक जेल में, आज तक जेल में। तो मुझे ऐसा फील हो चुका है कि भारत के ये जो जंगजू टाइप के, जो ये जाली अरबी टाइप के मुसलमान हैं, इनको इनके अल्फाज में और अरब के कानून से ही हम लोग सही कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। असल में जो पाकिस्तान भारत के जो मुसलमान हैं, ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो भी जब स्पीच कर रहे होते थे तो उसको पीछे से एक बंदे ने बोला कि आपने स्पीच तो सारी कर दी, आपने मजहबी टच नहीं दिया, तो आप मजहबी टच भी दे साथ में। उन्होंने बीच में प्रॉफिट की बात करने शुरू कर दी। तो ये ऐसे ही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर भी है कि वो कहीं पर आपने कोई भी काम करना तो उसमें साथ में सियासत को चमकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, करने के लिए मजहब का इस्तेमाल होता। तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये सारी चीज को मुजफ्फर भाई, आपका नवाज शरीफ जो है वो स्पीच दे रहा था, अजान हो रही थी तो वो तो नहीं रुका था, बल्कि उसके कान में आकर के कोई बोला भी कि अजान हो रही है तो बोला रहने दो। वो वीडियो मेरे पास अभी जी बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने मोदी जी की देखी थी स्पीच, वो स्पीच कर रहे हैं और वो रुक गए और पूरी उन्होंने अजान सुनी, उसके बाद में उन्होंने स्पीच पूरी की। तो कौन रिस्पेक्ट करता है ज्यादा, इससे जाहिर हो गया कि कौन मजहब की, दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट कौन ज्यादा करता है। ये ऐसे ही एक अलमिया है, जैसे आपने बात की ऐसे ही पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग थे, जब ये जो ये नवाज शरीफ की बेटी और दूसरे लोग जब उमरा करने गए थे, इनके ऊपर उन्होंने वहां पर आवाजें कसी थी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने भी ये बोला कि यहाँ पर आप ये इबादत करने की जगह है, आप यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो ये सेम चीज क्यों हमारे ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होती कि ये पाकिस्तान के मुसलमान है या इंडिया के, भारत के मुसलमान है, वो हर चीज में। जी मैं आपको बता रही हूँ मुजफ्फर भाई, के हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं, ठीक है, और आर्मी और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन और प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास, ठीक है। उसके बाद फिर अनकाउंटेबल, मैं नहीं काउंट कर सकती हूँ कितने मजार हैं, कितने इमामबाड़े हैं और कितने शाही ईदगाह हैं। आपको हर दो गली के बाद आपको शाही ईदगाह मिल जाएगा और इमामबाड़ा और मजार मिल जाएगा। हर एक फ्लाईओवर के नीचे कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है, हर एक रेलवे ट्रैक के साइड में कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है। तो भाई जब आपके इबादत के लिए अनगिनत जगह है, आप वहां पर अपनी इबादत कर सकते हैं, तो फिर रोड पर, हाईवे पर ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके, ये तो मतलब इंटेंशनली अपने पावर को दिखाना और अपनी हटगर्मी दिखाना, ये तो साफ समझ में आ रहा है ना। 7 लाख मस्जिदें हैं और हमारे यहाँ 17 करोड़, 17.5 करोड़ की आबादी है, तो जाओ ना, जाओ मस्जिद जाओ। और पाकिस्तान की तरह तो हमारे यहाँ वहाबी, अहमदी और शियाओं की मस्जिदें फोड़ी नहीं जा रही है, या सुन्नी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो आप हमारे यहाँ तो जो जिसकी जितने 72 फिरके का के धार्मिक जगह वैसे ही खूबसूरती से खड़ी हुई है, तो आप जाए वहां जाकर के पढ़ें, क्या दिक्कत है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें नाजिया खान जी की पर्सनल राय इस पूरे
सेंसिटिव मामले यानी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपको जानने को मिली, जहां पे नाजिया खान जी ने अपनी पर्सनल राय तो बताई पर इस पूरे कांड के पीछे हो सकता है एक मास्टरमाइंड भी हो जिसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।